बेहतर है अंधेरे से एक नए पथ का निर्माण करना है, उजाले से दीक्षा 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 नमस्कार, आपका अपने दीक्षा कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम कार्यक्रम देखने के साथ साथ आपको बताएंगे कुछ रोचक तथ्य। ये तो आप जानते ही होंगे कि ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बिना पानी पिए चूहा ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। ये तो था एक रोचक तथ्य। अब अपना कार्यक्रम। टीम ए बच्चों अपना नाम बताइए। आशुतोष। जूही। अंजनी। टीम बी श्रुति। राहुल। शालिनी। टीम सी हर्ष। शेखर। लेकिन टीम सी एक बात का ध्यान में रखिएगा, मुकाबला टीम ए और बी के बीच में होगा। जो प्रश्न टीम ए और बी जिसका उत्तर नहीं दे सकेंगे उस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, और दर्शक बच्चों जिसका कोई उत्तर नहीं दे सकेगा वह प्रश्न आपके पास आएगा। आप भी सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा। प्रीति जी इनको क्विज के नियम के विषय में बता दीजिए। धन्यवाद शोभा जी। बच्चों सबसे पहला सवाल टीम ए से किया जाएगा, जिसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। यदि आप उसका सही उत्तर नहीं बता पाए तो वो प्रश्न टीम बी को पास हो जाएगा, और टीम बी उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। यदि टीम बी भी उसका सही उत्तर नहीं बता पाई तो वो प्रश्न टीम सी को चला जाएगा, लेकिन टीम सी आपको उसके लिए कोई अंक नहीं मिलेंगे, तालियां मिलेंगी। बच्चों आप समझ गए? जी, हर प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। अब शोभा जी आपसे प्रश्न पूछेंगे। अच्छा शोभा जी, टीमें तैयार हैं? जी। दर्शक? जी। आप लोग राष्ट्रपति के अधिकार पढ़कर आए हैं? जी। पहला प्रश्न टीम ए से है, हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लगता है टीम बी और हमारे दर्शक इससे सहमत नहीं है। टीम बी आपसे प्रश्न पूछते हैं, हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री तो सरकार का अध्यक्ष होता है। शाबाश, बहुत अच्छा। प्रीति इनको 5 अंक दीजिए। हमारे देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, वही भारत का प्रथम नागरिक है और हमारे भारतीय महासंघ का सर्वोच्च अधिकारी है। हमारे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। अब टीम बी आप अपने प्रश्न के लिए तैयार हैं? जी। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हाँ शाबाश, उत्तर सही है। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष कहते हैं। शाबाश, तुमने तो उत्तर को बहुत अच्छी तरह पूरा कर दिया। प्रीति जी पूरे अंक दीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और इसीलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष कहते हैं। टीम ए आपका प्रश्न, राष्ट्रपति पद के लिए किन योग्यताओं का होना आवश्यक है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। शाबाश, बहुत अच्छे। प्रीति को पूरे अंक दीजिए। राष्ट्रपति पद के लिए 4 योग्यताओं का होना आवश्यक है, कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यताएं रखता हो। टीम बी आपका प्रश्न, राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, उसे 5 वर्ष की
अवधि पूरी होने से पहले संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। उत्तर सही है, बहुत अच्छा उत्तर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु उसको दोबारा भी निर्वाचित किया जा सकता है, और संसद द्वारा किसी महाभियोग के लगाए जाने पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन उसे हटाया कब जाता है हमारे दर्शक बताएंगे? लेकिन राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है? यस टीम सी, कोई नहीं, दर्शक बच्चों, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया तब जा सकता है बच्चों जब उसके ऊपर संविधान का उल्लंघन करने का महाभियोग साबित हो चुका हो। आप समझे? अगर महाभियोग साबित नहीं हुआ है तो उसको उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। हाँ स्पष्ट है, कोई अभियोग लगाने से ही कोई बात स्पष्ट नहीं हो जाती। कोई अभियोग लगे और जब उसके पर साबित किया जाए, मालूम हो जाए कि राष्ट्रपति ने से ये संविधान का उल्लंघन हो गया है, तभी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। और अब हम राष्ट्रपति के अधिकारों के विषय में अगली बार चर्चा करेंगे। अगली बार राष्ट्रपति के, अभी तो हमने कार्यों के और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इस विषय में जाना, और अब हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी पद हो उसके अपने एक निश्चित अधिकार होते हैं। सर्वोच्च अधिकारी तो है राष्ट्रपति हमारा, किंतु सबको बेटा एक नियमावली को मानना पड़ता है, तो राष्ट्रपति के अधिकार भी निश्चित होते हैं, और उसके विषय में आप जानकारी करके आइएगा। अगली क्विज में हम आपसे राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति के अधिकारों को जानने से पहले हम एक बार फिर उसके कार्यों के बारे में बात करते हैं। बच्चों आप सबने बहुत अच्छा प्रयास करा और आपने बहुत अच्छे उत्तर भी दिए, लेकिन हमारे कुछ बच्चे थोड़ा प्रयास कम कर पाए। उनकी और अधिक जानकारी के लिए हम आपको एक बार फिर से राष्ट्रपति के कार्य के विषय में बता रहे हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, वह भारतीय संघ का सबसे बड़ा अधिकारी है, पूरे देश का शासन उसी के नाम से चलता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, इसमें सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष भी कहा जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, उसे दोबारा भी निर्वाचित किया जा सकता है, संसद द्वारा महाअभियोग होने पर उसे हटाया भी जा सकता है। अच्छा बच्चों, ये तो थी उनके कार्य की बात। अगली क्विज में हम आपसे राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तितलियां तो हम सभी लोग देखते ही रहते हैं, रंग बिरंगी, प्यारी प्यारी, लेकिन ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग और खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। ये तो हुई तितलियों की बातें। क्या आप जानते हैं जिस प्रकार एक मनुष्य की उंगली की छाप दूसरे मनुष्य से भिन्न होती है, ठीक उसी प्रकार एक जेब्रे की शरीर की धारियां दूसरे जेब्रे से भिन्न होती हैं। ये तो हुई रोचक बातें। तो देखें अपना अगला कार्य।